अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ब्लॉग मैनेजमेंट की या ब्लॉग की डिफरेंट कैटेगरीज की। लेट्स सपोज आपने डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर या डिफरेंट जगहों पे देखा होगा कि ब्लॉग्स के रेलेवेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जिस तरह से लेट्स सपोज मैं दो कैटेगरी बना लेता हूँ, एक बूट्स और एक टी शर्ट्स। सिमिलरली जिस तरह प्रोडक्ट्स के अंदर हम कलेक्शंस की बात करते थे, यहाँ पे भी इसी तरह ब्लॉग्स के अंदर ब्लॉग्स की कैटेगरीज हैं जिनको हम ब्लॉग्स ही कहते हैं, राइट। तो इसका फायदा ये होता है, लेट्स सपोज मैं दो चीजों के अबाउट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक तो नॉर्मली न्यूज़ के अबाउट, अपने स्टोर के अबाउट, न्यूज़ के अबाउट, और एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कूपन्स के अबाउट, जो जो नए कूपन्स आएंगे मेरे स्टोर के ऊपर, तो उसको मैं किस तरह से हैंडल करूंगा। मैं क्या करूंगा, दो कैटेगरीज बना लूंगा ब्लॉग्स की। चले मैं लैपटॉप पे स्क्रीन पे चलता हूँ, करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ब्लॉग पोस्ट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया मैनेज ब्लॉग्स का। सिंपल इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेट्स से मैं बना लेता हूँ दो ब्लॉग्स। वन इज कॉल्ड लेट्स से हम करते हैं कूपन्स और सेकेंड वन हम करते हैं अगेन यहां पे हम कर लेते हैं जनरल प्रोडक्ट न्यूज़। इसको मैं सेव कर देता हूं, सेव कर दिया मैंने। अब जब मैं ब्लॉग पोस्ट यहां पे लिखूंगा, लेट्स से मैं यहां पे ब्लॉग पोस्ट लिखूंगा और मैंने यहां पे लिख देता हूं कोई भी ब्लॉग पोस्ट, लेट्स से डमी टेक्स्ट में यहां पे डाल देता हूं। और यहां पे देखें अगर आप ऑप्शन ब्लॉग, कि ये वाला स्पेसिफिक जो पोस्ट है वो किस ब्लॉग के अंदर या किस कैटेगरी के अंदर शो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें कूपन्स और जनरल वो वाले यहाँ पे शो हो गए। सिमिलरली जिस तरह से हम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी कैटेगराइजेशन करते थे, वहां से हम कलेक्शंस कहते थे उनको, और यहाँ पे हम इनको ब्लॉग्स या ब्लॉग्स की कैटेगरीज कह सकते हैं। तो हम उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सिंपल अगर मैं चाहता हूँ कि ये कूपन्स के अंदर जाए, मैं सेव करता हूँ। अब जब भी कोई कूपन्स वाला वो ओपन करेगा तो यहाँ पर उसको ये ब्लॉग नजर आएगा। जो भी ब्लॉग्स हम कूपन्स वाले कैटेगरी के अंदर पोस्ट करना चाहेंगे वो हम इस तरह से कर सकते हैं। जो न्यूज़ वाले में वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ये ऑप्शंस या ब्लॉग्स की डिफरेंट कैटेगरीज या ब्लॉग्स को मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।